से नए वीडियो अपडेट लेकर के आए हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो हम आपको ये बताएंगे कि जो भी हम पैकेज वगैरह YouTube पर डाल रहे हैं या फिर आप उसे डाउनलोड कर रहे हैं, तो उस इफ़ेक्ट को या ट्रांजिशन को आप किस लोकेशन में रखेंगे जो आपका फाइनल कट प्रो में वर्क करेगा। ये हमारे पास जो है, यही फाइल जो है, इसी के बारे में अभी हम बताएंगे, ठीक है। ये ट्रांजिशन पैक है और फाइनल कट प्रो में जो है इस पैकेज को या फिर जो भी आपके पास इफ़ेक्ट है तीन लोकेशन पर रख सकते हैं, ठीक है। फाइनल कट प्रो ही एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आपको तीन लोकेशन पर रखने पर वर्क कर जाता है, बाकी के सॉफ्टवेयर में जो है सेम लोकेशन रहेगा तभी वर्क करेगा। पहला लोकेशन क्या है, इसको हम तीन पार्ट में कर दे रहे हैं, ठीक है। एक इसे हम कॉपी कर ले रहे हैं और यहाँ पर डबल कर दे रहे हैं, ठीक है। फिर इसे हम यहाँ पर पेस्ट कर दे रहे हैं और यहाँ पर हम इसे रीनेम कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर पार्ट थ्री लिख दे रहे हैं, और इसे पार्ट टू कर दे रहे हैं, और ये इसे पार्ट वन कर दे रहे हैं, ठीक है। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको पता चल जाए जो हम इस इफ़ेक्ट को रखेंगे वो आपके लिए बेस्ट लोकेशन कौन सा सही रहेगा, ठीक है। ये हम तीन पार्ट में बना दिए, एक ही इफेक्ट को तीन तरह कर दिए और इसे तीन लोकेशन पे हम रख के दिखाएंगे आपको। आपको जहाँ पर सुटेबल लगे वहाँ पर आप इसे रख सकते हैं, ठीक है। पार्ट थ्री को हम पहले कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर मैचिंग टॉस पे आएंगे, ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट जो है एप्लीकेशन में आ सकते हैं। एप्लीकेशन में आने के बाद ये फाइनल कट प्रो है, इसे हम शो पैकेज कंटेंट पे क्लिक करेंगे और इसके अंदर में हम जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद जो है प्लगइन्स में आएंगे, ठीक है। प्लगइन्स में आने के बाद यहाँ पर जो है एक ऑप्शन आया है मीडिया प्रोवाइडर, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे और मोशन इफेक्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो है ऑप्शन दिया हुआ है रिसोर्स में, ठीक है। रिसोर्स में आएंगे और यहाँ पर जो है एक टेम्पलेट का ऑप्शन दिया हुआ है, टेम्पलेट पर जाएंगे और ये ट्रांजिशन का ऑप्शन है, ठीक है। इस ट्रांजिशन पर हम आकर के ये पार्ट थ्री को जो है डायरेक्ट यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये हो गया पहला प्रोसेस, और दूसरा प्रोसेस जो है उसको भी हम बता दे रहे हैं, ठीक है। ये पार्ट टू को जो है सेट करके दिखाएंगे। ये मैकिंटोश एचडी में है और यहाँ पर जो है लाइब्रेरी पे क्लिक किए, उसके बाद में एप्लीकेशन सपोर्ट में आए और यहाँ पर फाइनल कट प्रो का एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है, और इसके बाद में टेम्पलेट है, यहाँ पर इफेक्ट का ही ऑप्शन दिया हुआ अभी फ़िलहाल, ठीक है। तो हम यहाँ पर मैनुअली क्रिएट करके देखते हैं, ठीक है। ठीक है, एक और कंफर्म हो लेते हैं। चलिए, हमारा ये ठीक है ना, आइए पार्ट टू के हम इसके अंदर में ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। ये दूसरा हो गया। अब तीसरा ऑप्शन जो है ये बता रहे हैं, मैचिंग डोस में आएंगे और यहाँ पर जो है यूजर में आएंगे, ठीक है। यूजर में आने के बाद जो है आपको जो भी यूजर नेम है आपका मतलब सिस्टम का, उस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एमओवी का ऑप्शन आएगा। एमओवी का ऑप्शन आने के बाद यह मोशन टेम्पलेट में आएंगे और यहाँ पर ट्रांजिशन पर क्लिक करके यहाँ से हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। पार्ट वन को ऑलरेडी मेरा यहाँ पर पेस्ट है, ठीक है। इसका दूसरा शॉर्टकट तरीका है, डायरेक्ट यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आने के बाद मोशन टेम्पलेट में आएंगे और यहाँ पर ट्रांजिशन में आएंगे, तो यहाँ पर ये डायरेक्ट आपका लोकेशन आ जाएगा, ठीक है। अगर ये आपके पास नहीं आ रहा, इसका भी एक ईजी तरीका है, यहाँ से हम कट कर दिए और ये फाइंडर में आएंगे, सेटिंग में आएंगे। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर जो है आप इसे अनक्लिक है तो इसे क्लिक कर देंगे। जब ये क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर जो ऑप्शन है ये आ जाएगा, जिससे यहाँ पर ये ऑप्शन देख रहे हैं ना, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके आने के बाद जो है आप ईजी तरीके से यहाँ पर ट्रांजिशन में जा कर के वो आप पैकेज को ड्रॉप करेंगे। जब पैकेज को ड्रॉप करेंगे तो आपका यहाँ पर ये जब हम फाइनल कट प्रो को ऑन करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो इफ़ेक्ट का जो लिस्ट बना हुआ है या फिर जो भी आप इफ़ेक्ट को वहाँ पर ड्रॉप करेंगे वो आपका फाइनल कट प्रो के कैटेगरी में शो करने लगेगा। एक बार हम चेक करके देखते हैं हमारा ये शो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पर हम पहले चेक करते हैं, ठीक है। ये हो गया पार्ट वन का और ये पार्ट थ्री का हो गया, ठीक है। पार्ट टू वर्क नहीं कर रहा, ठीक है ना, पार्ट टू इसमें वर्क नहीं कर रहा, पार्ट टू को चेक करते हैं। हो सकता है ट्रांजिशन का स्पेलिंग गड़बड़ होगा, इसके कारण से नहीं वर्क कर रहा होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फाइनल कट प्रो का ऑन करेंगे और ये ट्रांजिशन को जो है ना सेम इसका जो रीनेम कर लेंगे, इसको सेम नाम नेम को जो है कॉपी कर लेंगे, ठीक है। और डायरेक्ट यहाँ से हम जाएंगे लाइब्रेरी एप्लीकेशन सपोर्ट फाइनल कट प्रो टेम्पलेट और ये ट्रांजिशन को जो है चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर जो ये आ नहीं रहा है, ठीक है। ट्रांजिशन को जो रखेंगे दो जगह पर रखेंगे, ठीक है। पहला जो है इसमें रखना है, ठीक है, यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर से जो है काम कर जाएगा। और दूसरा जो ऑप्शन बताए थे ये एप्लीकेशन सपोर्ट में आएंगे और ये फाइनल कट प्रो को खोलेंगे, यहाँ पर आएंगे और रिसोर्स में आकर के जो सॉरी प्लगइन्स में आएंगे। प्लगइन्स में आने के बाद यहाँ पर जो है मीडिया प्रोवाइडर में आएंगे और इसके अंदर में जो है रिसोर्स पे क्लिक करके यहाँ पर आएंगे तो ये वर्क कर रहा है, ठीक है। पार्ट थ्री वर्क कर रहा और ये वाला वर्क कर रहा है, ठीक है। ये वाला पार्ट वन वर्क कर रहा है, पार्ट टू नहीं कर रहा। तो कोई दिक्कत नहीं, सबसे इजी तरीका जो है यहीं पर है, यहाँ पर आप तो पैकेज है, यहाँ पर आप इसको रख सकते हैं। रखने के बाद जब भी सिस्टम फॉरवर्ड मारने की बारी आएगा तो यहाँ से आप इजी तरीके से जो है बैकों को कॉपी कर लीजिएगा, आपके लिए आसान होगा। क्योंकि और जो चीज़ें बता रहा है बहुत ही अंदर है, हो सकता है आपको माइंड से उतर जाए सिस्टम रिसेट करते समय। तो यहाँ पर आप आसान तरीके से रख सकते हैं और उसके बाद जो यहाँ पर चेक करके देखेंगे तो ये वर्क कर रहा है, ठीक है। देखिए पार्ट वन वर्क कर रहा और ये पार्ट थ्री भी वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो है सारे ग्राफिक्स को रखेंगे और ये इफ़ेक्ट का कैटेगरी जो है, यहाँ पर जो इफ़ेक्ट का कैटेगरी देख रहे हैं ये भी सेम लोकेशन पर रखना पड़ेगा तो आपका वर्क कर जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये जो टाइटल कैटेगरी देख रहे हैं वो भी सेम लोकेशन पर ही रखना पड़ेगा तो आपका काम कर जाएगा, ठीक है। बट ये फोल्डर नेम चेंज होना चाहिए, टाइटल है तो टाइटल वाली चीज़ को हमको टाइटल में रखना पड़ेगा, इफेक्ट का कैटेगरी है तो हमें इफेक्ट में रखना पड़ेगा, ट्रांजिशन है तो हमें ट्रांजिशन में रखना पड़ेगा। ये जो फोल्डर अलग अलग बनाए हुए हैं तो इसका मतलब है कैटेगरी भी अलग अलग है तो आपको अलग अलग तरीके से रखना पड़ेगा। तो ये आपका 100% जो है वर्क कर जाएगा। और कोई दिक्कत हो तो हमें कॉमेंट करें, उसके लिए भी हम आपको वीडियो बनाएंगे। फिलहाल मेरा वीडियो इतना ही।